नमस्कार दोस्तों, SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं, और घर जाने के बाद जब वो दुकान चालू करते हैं वहां अगर कुछ नए नए प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए हर दिन सुबह 8 बजे लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। दोस्तों आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज बच्चे लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू बिट्टू, बोलिए सर। कल प्रिपेड मोबाइल का क्या बोलते हैं वो जैक चेंज किए सर। कौन सा फोन था? कीपैड का कौन सा फोन था सर? नोकिया का फोन था सर। ठीक है, उसका सर मदरबोर्ड निकाले मतलब मेहनत करा सर, मेहनत से निकाले तब तक सब चीज सही था सर। जैक चेंज किए आपका डिस्प्ले तो लाइटें नहीं आ रहा। और डेक तो जैक चार्जिंग जैक के बगल में डिस्प्ले ग्राइंडर नहीं ना था उसका? नहीं सर, बहुत दूर था सर। और ये क्या बोलते हैं एम्पियर ले रहा है सर? सर ऑन कम सब हो रहा है सर, मदरबोर्ड पे लाइट भी आ रहा है और डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है, पूरा धीमा लाइट आ रहा है। धीमा डिस्प्ले को ऐसे अगर हिलाते हैं सर तो अचानक से लाइट आ जाता है। और डिस्प्ले को हिलाते हो लाइट आ जाता है, तो डिस्प्ले क्रिएटर को खोल करके अच्छे से रिसोल्व करके फिर से फिक्स करो। लूज हो गया होगा या डिस्कनेक्ट हो गया होगा, अच्छे से टच नहीं हो पा रहा होगा इसलिए वैसा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, डिस्प्ले क्रिएटर को अच्छे से खोलो और उसको रिसोल्व करके बढ़िया से सेट करो। ठीक है, उसका डिस्प्ले वही 120 रुपये के आसपास का आता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू नायक, बोलिए सर। मेरे पास भी एक कीपैड फोन आया है सैमसंग का। सर उसका स्टार्ट की काम नहीं कर रहा है सर। उसका उसका जो ऊपर जो टिकले होता है सबको खोल के क्लीन किए फिर लगाया फिर से नहीं हो रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार बटन का जो प्लस कनेक्शन कटा है या माइनस कनेक्शन कटा है इसको चेक किए? नहीं सर, उसको चेक नहीं किया। हाँ, तो अभी यदि आपके पास फोन है चेक कर सकते हैं, तो दुकान जा करके प्लस कटा है या माइनस कटा है ये चेक करना। उसका जम्पर है ना, वो आपका 7 नंबर पिन से हो जाएगा या 5 नंबर से या स्टार बटन से, सॉरी हैज बटन हैज या जीरो से हो जाएगा। ठीक है, आप हमको बताना कि पॉजिटिव कटा है कि नेगेटिव कटा है। ठीक है नहीं सर, जिसका ट्रैक कटा है उसका जब तक आप ट्रैक नहीं बताओगे कि सर इसका कटा है तो कैसे पता चलेगा? आप पहले हमको बताना है ना कि सर स्टार बटन का ये वाले ट्रैक कटा है, एक होता है नेगेटिव एक पॉजिटिव, बीच वाले पॉजिटिव होता है, तो बाहर वाले कटा है या अंदर वाले कटा है वो बताओगे तब कंफर्मेशन होगा। ठीक है चलिए, और कोई जानकारी जी बोलेंगे फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए सर। नोट 4 है, MI नोट 4। तो वो क्या हुआ था, चलते चलते मतलब बंद हो गया था। ठीक है, तो दिया है तो चार्ज में जैसे स्विच ऑफ में लगाते हैं तो चार्ज लेता है, और सवाल को चालू करते तो अच्छा मतलब स्विच ऑफ करके चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग शो करता है, लेकिन अब चालू करते हैं और चार्ज में लगाते हैं तो लोगो में रुका रहता है क्या? हाँ जी। बैटरी का कंडीशन कैसा है? ठीक है सर, लेकिन 1 साल होने वाला बैटरी का। कोई दिक्कत? अच्छा, पुराना बैटरी लगाया था। ठीक है, चार्जिंग जैक को रिप्लेस किए क्या? पहले आप क्या कीजिए ना, चार्जिंग जैक को रिप्लेस कर लीजिए, रिप्लेस करने के बाद बैटरी कनेक्टर में हॉट टेस्टिंग कीजिए कितने वोल्टेज मिल रहा है ना। चार्जिंग जैक रिप्लेस करते करते भी बहुत सारा ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कुछ फोनों का DPDM या ID का लाइन अच्छे से चार्जिंग जैक का कनेक्ट नहीं रहता है ना, तो उसमें आपका फोन चार्ज नहीं होगा, वो लोगो दिखाएगा या बढ़ेगा नहीं या स्लो चार्ज होगा, ऐसा केस आता है। तो पहले आप बोलिए तुरंत उतना दिखाता है
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप जैक को एक बार चेंज कीजिए पहले, तब कंफर्मेशन होगा, तब आगे आप काम कीजिएगा। काम आगे भी हो सकता है, पहले छोटा काम कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है यही काम कर। नहीं सर, फोल्डर खराब रहेगा तो चार्जिंग लोगों से क्या मतलब है, चार्जिंग लोगों से कोई मतलब थोड़े ना है। फोल्डर खराब रहेगा तो फोन ऑन नहीं होगा, या डिस्प्ले झिमझिमाएगा, या नहीं दिखेगा, ये सब प्रॉब्लम होगा ना। तो एक बार कंफर्मेशन करने के, एक बार कंफर्मेशन करने के लिए फोटो खींच करके भेजना, चार्जिंग में लगा करके किस तरह दिखता है ना, थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। लाइनिंग वाइनिंग तो नहीं ना, और कोई प्रॉब्लम? सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग टू विकास, बोलिए सर। ये ओप्पो A30 का फोन का नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। हाँ, नेटवर्क ऐसी बस क्या, तो आपको बोला ना कि यदि उसके पास वोल्टेज नहीं बन रहा, नेटवर्क ऐसी को रिवॉल्व करके उसको फिक्स कीजिए, या फिर उसको चेंज कीजिए। चेंज करना पड़ेगा सर। रिवॉल्व करके पहले देखिए ना सर, रिवॉल्व करके हो गया तो ठीक है, हाँ तो नहीं हुआ तो उसको चेंज करना पड़ेगा। WTR ऐसी काफी सारे फोनों में गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं नेटवर्क ऐसी से, ठीक है। ठीक है, अगला कोई प्रॉब्लम जी फटाफट बताएंगे। बोलेंगे किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो। ग्राउंड ने BSI से चार्जिंग जैक का बीच वाले पिन, चार्जिंग जैक में 5 पिन होता है ना, Yes, तो उसका जो बीच वाले पिन है उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, और नहीं होता है तो मदरबोर्ड का फोटो खींच करके भेजना है, उसमें कहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो देख करके हम आपको बता देंगे, ठीक है। वही चार्जिंग आईसी के पास सर रेजिस्टेंस रहता है, चार्जिंग आईसी या बैटरी कनेक्टर की, यही दोनों के अगल बगल रहता है, ठीक है, वहीं पे है सर। तो पहला काम आप करो ना, जो उखाड़ने उखाड़ने मत करो, पहला काम BSI से एक जम्पर लो और चार्जिंग जैक का बीच वाले पिन में जम्पर करो, हो गया सोल्यूशन तो ठीक है, नहीं हुआ तुमको फोटो खींच करके भेजना, जिसपे काम करने बोलेंगे उधर काम करना, ठीक है। BSI और सब चार्जिंग जैक का बीच वाला पॉइंट, बीच वाले पिन में, हाँ बिल्कुल ठीक है। और किसी के पास कोई प्रॉब्लम परेशानी जी? बोर्नियो डिस्कनेक्ट हो गया, उसका सर्वर डाउन चल रहा है जी, उसका फोटो क्लिक करके हम सेंड कर देंगे नेटवर्क सेशन रेडमी 5P का। और आज किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज के क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को, ठीक है।